मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा है उसका हम देखने वाले डिटेल्स, यानी कि एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी आपकी, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रह सकता है और कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में नहीं होगा। मैंने पहले वीडियो में एक बार कहा था कि जुलाई में हो सकता है इन दी एंड, लेकिन जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, ना कि एग्ज़ाम होगा। ऐसा क्यों फ्रेंड? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि अभी कुछ दिन पहले जो है 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है पैरामेडिकल का। किसका? पैरामेडिकल का, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो एग्ज़ाम चलेगा 21 जुलाई तक। ठीक है, 21 जुलाई से एग्ज़ाम जो चलेगा उसके जस्ट बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम जो होगा अभी, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अभी नहीं होगा, मतलब कि जुलाई में नहीं होने वाला आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जुलाई में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जुलाई में होगा क्या? जुलाई में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, एक नोटिस आएगा। जो नोटिस आएगा वो क्या बताएगा? ये जो आपको पैरामेडिकल में डेट बताई है, शेड्यूल बताया है, वो आएगा। और शेड्यूल में आपको सिर्फ और सिर्फ डेट बताई जाएगी, वो भी टेंटेटिव। क्यों फ्रेंड? देखिए, एक्चुअल में क्या है, टेंटेटिव डेट इसलिए बताई जाएगी क्योंकि करेक्ट डेट इसलिए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम आप दिया है कई स्टूडेंट ने, ठीक है, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम भी हुआ है भाई। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल बचा हुआ है। ठीक है, पैरामेडिकल के बाद में हमारा जो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इसकी भी आंसर कीज, इसकी भी आंसर कीज, दोनों की आंसर कीज बची हुई है। फ्रेंड, क्या होगा, एक एग्ज़ाम पहले वो कंप्लीट करेंगे, कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज इसकी कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड इसकी भी जो एग्ज़ाम, तो दोनों का एक ही नोटिफिकेशन से आया, तो पहले इस नोटिफिकेशन को क्लियर करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे। यानी कहने मतलब मेरा जो है जुलाई, यानी कि 7वें मंथ में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा 8वें मंथ में, अगस्त में। तो भाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो अगस्त में कब तक होगा? अगस्त में फ्रेंड देखिए, अगर आपको नोटिफिकेशन जुलाई में आ गया, कहने का मतलब अगर 20 से 25 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो ये 5 तारीख से या 7 तारीख से आपका जुलाई से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर टेंटेटिव डेट भी आई, तो यहाँ पर अगर ये टेंटेटिव डेट हुई ये वाली जो है 25 तारीख, तो आपको ईजिली जो रहेगा वो 10 तारीख तक ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टेंटेटिव डेट के बाद एक करेक्टली नोटिफिकेशन भी आएगा, वो 2-3 दिन बाद आ सकते हैं। ओके, और सभी को पता है कि भाई 4 दिन पहले से ही हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड। आपको मैं बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त में ही होगा। ये फ्रेंड, ये अभी जो आप सब लोग देख रहे हो, जो न्यूज़ वगैरह पर जो आप देख रहे हो, वो फ्रेंड बता रहे हैं जुलाई के लास्ट में होगा, एंड में होगा, नहीं फ्रेंड, अब एग्ज़ाम आपका होगा अगस्त में। लिख लीजिए, एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा डेफिनेटली। और फ्रेंड देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्रेंड आप ऑनलाइन फ्री स्टडी पर वीडियोस देख सकते हैं लाइव। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा है थर्मामीटर का उपयोग जो होता है कितने तापमान तक किया जा सकता है। तो ये किया था 360 डिग्री तक। कितना? 360 डिग्री तक। ओके, जल वाष्प का संचित ऊष्मा क्या होती है? संचित ऊष्मा क्या होती है जल वाष्प में? तो ये होती है लेटेंट हीट, या फिर कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गैस का तापमान किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑप्शन 2, यानी कि पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर द्वारा। ओके, ऊष्मा किसके द्वारा निर्वात के माध्यम से गमन करती है? वैक्यूम में गमन करती है भैया ऊष्मा, तो ये किसके माध्यम से करेगी? विकिरण के माध्यम से। किसके? विकिरण के, विकिरण के द्वारा। ठीक है, रेडिएशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल जब लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो वह किस प्रकार का आपको दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा हरा, ग्रीन दिखाई देगा। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। अगर आप आरआरबी जेई देखें, एसएससी का एग्ज़ाम देखें, उठा के देखें, तो फ्रेंड बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप, मैं ज़्यादा बड़ा चला के बोल रहा, नहीं फ्रेंड, अगर आप देखें मेरे पिछले 20 से 25 दिन की जो वीडियोज़ हैं लास्ट वाली, उनमें से मात्र वीकली वाली वीडियो देखिए, जो वीकली लिखा हुआ उन पर। ठीक है, क्योंकि वीकली में क्या होता है, 300 से 400 क्वेश्चन होते हैं, 300-400 क्वेश्चन, 3 से 4 वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली उनमें क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उस एग्ज़ाम से पहले ही वो कराए हुए हैं। ठीक है, ओके, सूर्य का तापमान ये आपको बताना है कि इससे मापा जाता है भैया, ये मापा जाता है किससे? ऑप्शन आ गया पायरोमीटर से।
ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल दो निश्चित बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है, तो ये कितने भागों में विभाजित करेगा, 180 पार्ट्स में विभाजित करता है। ठीक है, कैलोरीमीटर सामान्यतः किस धातु से बना होता है, तो ये किस धातु से बना होता है भैया, कैलोरीमीटर ये बना होता है कॉपर से, तांबा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का उपयोग गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड इसका आंसर है, इसकी उच्च विशिष्ट जो इसकी ऊष्मा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होती है या फिर हाई होती है, स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, हाई होती है। ओके, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या, भी ऐसा ही क्या, ऐसा ही इकाई क्या या मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 यानी कि जूल आएगा। ठीक है, कैलोरी नहीं आएगा भैया, जूल आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के अणु में किस प्रकार का बदलाव आता है, तो ये आता है ऑप्शन 1, तेजी से आगे पीछे वह भगने लगते हैं। इससे क्या है, देखिए किसी भी अणु हो, कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है, अणु कहेंगे उसको, तो देखिए क्या होता है, परमाणु में अणु होता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए कोई भी अणु होगा छोटा छोटा, चाहे वो ठोस क्यों ना हो, तो फैन क्या होगा कि वो बहुत कम ही क्यों ना, वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा, मतलब गति ऊर्जा उसमें होगी। ठीक है, अब अगर गैस की बात करें तो गैस में मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, अणु रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, तो वो तो वैसे ही ज़्यादा गति में रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं, और आप उसमें से बहुत इजीली आप उसको फ्लो कर सकते हैं, उसमें हाथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर ठोस में जो रहता है, आप सोचते हो ठोस चीज़ें मैं इसमें से आर पार क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठोस हो गया, डेंस हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी भैया आयरन में, लोहे में। ठीक है, ग्लेशियर हमेशा किस पर पिघलते हैं, कहाँ से पिघलेंगे, नीचे से पिघलेंगे, ऊपर से पिघलेंगे, बॉटम से पिघलेंगे या मिडल से पिघलेंगे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, बॉटम से। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पर दाब जो होगा, मतलब फोर्स जो होगा, ऊपर का पूरा दाब होगा वो नीचे तक आएगा, और फर्स्टली वो नीचे से ही गलेगा, बॉटम से। ओके ओके, ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, गैस थर्मामीटर एक द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्योंकि एक गैस है, क्या है गैस, किस प्रकार की गैस है, तो आपको बताना था। तो यहाँ पर आंसर आएगा फोर आएगा, डज नॉट चेंज स्टेट इजिली, मतलब वो अपनी जो रूप है वो आसानी से नहीं बदलता, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं का उदाहरण है, महासागरीय धाराएं किस प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं संवहन या फिर कन्वेक्शन धाराएं। ओके, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है भैया किसमें होगी, ऑप्शन आएगा रिडॉन में, सबसे ज़्यादा किस्म होती है आपको मैंने बताया था लोहे में। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ऊष्मा से पृथ्वी तक पहुंचती है भैया, किस कैसी जो होती है, किस प्रकार की पहुंचती है, ये पहुंचेगी विकिरण यानी कि रेडिएशन के रूप में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है, तो ये सही वाला क्वेश्चन तो ऑल ओवर है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, देन बेल का आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड, जिससे क्या आपके एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ पाएँ, उन क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, और फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन हैं आपको लगाने, और आपका टाइमिंग इसके बाद जस्ट वीडियो आएगी वो आएगी 12 बजे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए।